हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यू बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन। अपने पास दो बाइक है, एक वो बाइक है जो ऑनगोइंग मॉडल है बजाज पल्सर 125, ये वाली है बजाज पल्सर 125 कार्बन एडिशन। ये बाइक के अंदर आपको क्या नया मिलता है व्हेन यू कंपेयर विद दी ऑनगोइंग मॉडल, वो हम ये वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूँ, ये दोनों ही जो बाइक्स हैं ना, इनमें सेम इंजन है, सेम टायर्स है, सेम आपको सस्पेंशन मिलता है एंड सेम आपको हेडलाइट मिलती है, सब कुछ सेम है। डिफरेंस क्या है वो आपको बता देता हूँ। पहला तो प्राइस का डिफरेंस है, वो आपको पड़ती है 1,12,000 रुपीज़, ये आपको पड़ती है 1,14,000। सो ऑलमोस्ट 2,000 रुपये का फ़र्क है। अब ये 2,000 में आपको अलग क्या मिलता है, तो पहले तो आप ये बाइक को देख लीजिए, आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, यहाँ पे आपको कोई स्टिकर्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, यहाँ पे आपको स्टिकर दिए गए हैं, जो अलॉय व्हील्स है उसके ऊपर आपको स्टिकर दिया गया है, यहाँ पे आपको जो टैंक श्राउड है उसके ऊपर स्टिकर दिया गया है, टैंक के ऊपर आपको स्टिकर दिया गया है, आपको टैंक पैड यहाँ पे मिलता है, बाकी पीछे यहाँ पे 125 लिखा है। तो बाइक कुछ ऐसी दिखती है। अब ये बाइक को अगर आप देखोगे ना, तो इसके अंदर आपको डिफरेंस दिखेगा। पहला डिफरेंस तो ये है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे सामने मडगार्ड के ऊपर आपको कार्बन फाइबर फिनिश वाला स्टिकर दिया गया है। दिस इज़ नॉट एक्चुअल कार्बन फाइबर पार्ट, तो ये आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक सिल्वर कलर का फिनिश दिया गया है, एक स्टिकर दिया गया है सिल्वर कलर का। वैसे आपको बता दूँ, इसमें आपको तीन कलर मिलते हैं मेरे हिसाब से, सिल्वर हो गया, रेड एंड ब्लू। इसमें एक स्प्लिट जो सीट है वो एडिशन भी है, जो अभी शोरूम में अवेलेबल नहीं है, जैसे अवेलेबल होगा आपके लिए मैं वीडियो बना दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको सिल्वर कलर का जो स्टिकर है उसके साथ ही साथ आपको फिर से कार्बन फाइबर की थोड़ी सी फिनिश यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखेंगे तो वो जो बाइक है ना, उसमें आपको स्टिकर पल्सर का जो नाम है उसके नीचे से मिलता है, बट इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टिकर दिया है। ये सिल्वर कलर है तो इसमें सिल्वर कलर का स्टिकर दिया गया है। तो ये डिफरेंस एक यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे कार्बन फाइबर फिनिश मिलती है, स्टिकरिंग यहाँ पे चेंज कर दी गई है। अब देखो, ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ी ज़्यादा मस्कुलर लगती है। उसके बाद एक बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है कि वो वाली में आपको जो यहाँ पे पैन है, वो जो बैली पैन है वो नहीं मिलता है, बट इसमें आपको मिलता है। यहाँ पे बैली पैन के ऊपर आपको स्टिकर दिया गया है सिल्वर एंड ये थोड़ा सा कार्बन फाइबर फिनिश जो आपको हर जगह देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ा चेंज यहाँ पे किया गया है। अब देखो, इसका यूसेज तो आपको पता ही है, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स, ये लगाने के बाद में आप देखो ये थोड़ी ज़्यादा स्पोर्टी फील देती है व्हेन यू कंपेयर विद दिस वन। उसके बाद में अगर आप ये साइड में देखेंगे यहाँ पे, तो वो जो बाइक है ना उसमें आपको यहाँ पे कोई स्टिकर देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे स्टिकर दिया गया है। उसके बाद में नीचे आप देखेंगे यहाँ पे, तो वो बाइक में आपको नीचे यहाँ पे स्टिकर नहीं मिलता है, बट ये बाइक में आपको नीचे पूरा कार्बन फाइबर का जो फिनिश है वो दिया गया है और स्टिकर वो जो है वो दिया गया है। यहाँ पे सिल्वर कलर का स्टिकर दिया गया है, 125 यहाँ पे लिखा गया है, जो आपको वहाँ पे भी देखने को मिलता है। ये जो कलर है ये सिल्वर कलर है, तो यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स पे सिल्वर कलर का स्टिकर दिया गया है। बाकी सब कुछ सेम है, इंजन सेम है, वही 124 सीसी का इंजन है एंड और कोई चेंजेस इसके अंदर आपको नहीं दिए गए हैं। तो ये अपना एक छोटा सा वॉक अराउंड वीडियो था, इसका मैंने पहले एक राइड रिव्यू किया है, उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा या फिर अभी आपको ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, पूरा रिव्यू मैंने किया था वो आप देख सकते हैं। ये सिर्फ एंड सिर्फ छोटी सी अपडेट थी, जो लोग इसका अपग्रेड और कुछ अपडेट आने का वेट कर रहे थे तो ये उनके लिए है। आपको ये कलर और ये अपडेट कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं नीचे कमेंट करके। अगर आपको डायरेक्टली कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पिंग कर सकते हैं। वरुण बजाज हैदराबाद का जो शोरूम है, उन्होंने हमें ये बाइक दी है, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप हैदराबाद से तो बाइक खरीद सकते हैं, टेस्ट राइड कर सकते हैं, बाइक अवेलेबल है। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।